हम मरकजी सरकार को कहना चाहते हैं हमें इस नए कश्मीर की कोई जरूरत नहीं है, जो पुराना कश्मीर था हमें वही जरूरत है। और जहाँ PDP या कांग्रेस है या भाजपा सरकार है, जितने भी आई है ये अपने घर बनाने के लिए करते हैं, लोगों के लिए कुछ नहीं करते। संडे मार के यहाँ पे लगता है अलमिया ये है कि उसमें PhD करके लोग, MBA करके लोग बैठे हैं, वो भी सभी पार्टियों पे आ चुके हैं। डिग्रियां करके बैठे वो रेड़ा करते हैं या उनको जॉब्स प्रोवाइड नहीं हो रही है। सेक्टर्स में आकर कुछ इंडस्ट्रीज लगेगी, कुछ अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंसर्न आएंगे यहाँ, उनको अगर एडजस्ट किया जाए तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडजस्ट हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी काफ़ी हद तक बढ़ रही है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के आवाम बहुत परेशान है। पॉलिटिकल पार्टियों ने तो अपनी सियासतों की, पर बेरोज़गारी वहीं की वहीं है। मेरी नौजवानों के साथ बात की, चलो आपको भी दिखाते हैं। बेरोज़गारी की अगर बात करें तो यह जम्मू कश्मीर की जब से धारा 370 हटाया गया है, तब से जो मरकजी सरकार है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि नए कश्मीर की नई तस्वीर, वही हमने देखा है कि डिलीवेजर जो है लगातार सड़कों पर आते हैं, रोड पर आते हैं, उनकी अभी सैलरी नहीं है। आधे लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी सैलरी नहीं मिली है। ईद भी आने वाली है, अभी उनको सैलरी नहीं मिली है। डिलीवेजर जो है हर दिन रोड पे आते हैं, कल भी परसों भी आपने देखा है किस तरीके से डिलीवेजर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों उनको इंसाफ नहीं है मिल रहे। धारा 370 और 35 से हटने के बाद मरकजी सरकार ने बोला था कि जो बेरोज़गारी है वो दूर होगी, मगर हम देख रहे हैं दिन ब दिन बेरोज़गारी उरूज पर आ रही है। हम मरकजी सरकार को कहना चाहते हैं हमें इस नए कश्मीर की कोई ज़रूरत नहीं है, जो पुराना कश्मीर था हमें वही ज़रूरत है। और बाकी जो यहाँ की पॉलिटिकल सियासत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP या कांग्रेस है या भाजपा सरकार है, जितने भी आई है ये अपने घर बनाने के लिए करते हैं, लोगों के लिए। ऐसा कुछ कि बेरोज़गारी ख़त्म हुई, इवन यहाँ पर बेरोज़गारी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आप यहाँ देखिए जो यहाँ पर डिग्रियाँ करके बैठ के वो रेड़ा करते हैं या उन, क्योंकि उनको जॉब्स प्रोवाइड नहीं हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी दावे किए थे Article 2 नहीं दिख रही है। लोग बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हो रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि उनको जॉब्स भी नहीं प्रोवाइड। आए दिन लोगों का होता है कि कोई मेरिट लिस्ट निकालता है, हमें इसमें जॉब दो वो दो, लेकिन वो रोज़ वो लिस्ट दे बड़े पीछे ही चली जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अच्छे से हो रही है। यहाँ पर दिन ब दिन कश्मीर बेरोज़गारी के हवाले से जहाँ पे आपने बात छेड़ी है, अगर हम बैनुल अक़वामी सतह पर देखेंगे जो दुनिया की आबादी इस वक्त है 8 अरब तक पहुँच चुकी है, उसमें से हमारी 1 अरब आबादी है। ये खाली कश्मीर का मसला नहीं है कि हम यहाँ का ही सोचें कि यहाँ के हुक्मरान को ही जिम्मेवार ठहराएंगे कि खाली कश्मीर में बेरोज़गारी है। अगर हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, अखबार पढ़ेंगे, YouTube पे आप सर्च करेंगे, इस वक्त पूरी दुनिया में जो आबादी है उसमें से 1 अरब आबादी जो है रोज़गार के लिए परेशान है, मसाइल हैं, मुश्किल आते हैं पूरी आलमी इंसानियत को। और फिर अब जब बात करेंगे तो यहाँ पे भी इस वक्त बहुत बेरोज़गारी है, लगभग 10 से 15 लाख तक हमारे जवान जो हैं, नौजवान हैं, बेरोज़गार है। हद तो ये हो चुकी है कि हमारा जो संडे मार्ग यहाँ पे लगता है अलमिया ये है कि उसमें PhD करके लोग, MBA करके लोग बैठे हैं, वो भी इस वक्त पटरियों पे आ चुके हैं। तो इस वक्त बहुत एक बहुत बड़ा अलमिया है आलमी इंसानियत के लिए, हमारे कश्मीर के लिए भी है कि बहुत बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। उनको भी इकदाम उठाने चाहिए, गवर्नमेंट को भी इकदाम उठाने चाहिए, रोज़गार के वसाइल तलाश करने चाहिए, नए नए वसाइल, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, नौजवानों को मौके फराहम करने चाहिए, जवानों को भी यहाँ पर खुद खड़ा होना चाहिए। जो हमारे स्कूल हैं उन पर बेसिक जो है बचपन से उनको तालीम के साथ साथ रोज़गार के हुनर। इधर ऐसा रह चुका है कि एजुकेशन में हर बंदा स्कूल एंड ऑल जा रहा है, बट वंस ही रीचेज़ एक पर्टिकुलर स्टेज उनके पास जॉब्स नहीं होती, कुछ नहीं होती है। पहली बात तो इसमें गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा रोल रहता है कि वो यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, बाहर के प्राइवेट सेक्टर को बोले इधर काम करने के लिए, वैसे वाला टाइप चीज़। गवर्नमेंट में तो सारे बंदे अब्सॉर्ब होते नहीं है। आजकल एग्ज़ाम्स भी इतने टफ हो चुके हैं कि वो हर बंदे के लिए क्रैक करना आसान नहीं है। सो यहाँ प्राइवेट कंपनीज़ वो सब खोलनी चाहिए। उसके अलावा मैंने ऐसा है कि गवर्नमेंट को बाकी एस्पेक्ट्स पर जो आजकल चल रहे हैं उसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन जो कि पता नहीं कहाँ पहुँच चुकी है इस टाइम पर। अनएम्प्लॉयमेंट का ये भी चीज़ है कि अगर आप उनको लोगों को जो बिज़नेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करें ताकि उनको एक बूस्ट मिल सके, वो आगे कर सके।
जे एंड के में भी एक ये ऐसा है कि यहाँ कुछ भी नहीं है तो पीपल आर फोर्स टू गो आउटसाइड और मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो अच्छे काबिल लोग इस कंट्री से ही बाहर चले जाते हैं। एंड मुझे लगता है टू कीप द यूथ एंगेज इधर के अंदर अगर प्राइवेट सेक्टर को यहाँ बुलाया जाए, इतना सारा इधर ये है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो क्रिएट कर सके ताकि लोग। जम्मू कश्मीर का एक अहम मसला है जिस पर बात करना या इसको हल करने की बहुत अहम ज़रूरत है। अब देखते रहे स्टेट एंकिलर इब्राहिम के साथ।